सब्सक्राइब करें गोसाईगंवा समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। खबर एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें 97098-94194। मैं वरुण बाबुल गोसाईगंवा समाचार से, गोसाईगंवा समाचार के न्यूज सुपर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। नौगछिया में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ मुहर्रम का त्योहार। देर रात 10 बजे तक नौगछिया थाना क्षेत्र के सभी तजिया का शांतिपूर्ण माहौल में हुआ पहलाम। नौगछिया में मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। मुहर्रम को लेकर नौगछिया थाना क्षेत्र के सभी तजिया का पहलाम देर रात तक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। देर रात 10 बजे सबसे अंतिम में मुमताज मोहल्ला के तजिया का पहलाम किया गया। इसके पूर्व मंगलवार की सुबह 9 बजे नौगछिया शहर में तजिया जुलूस निकाला गया। तजिया जुलूस पूरे नगर का भ्रमण करते हुए पुनः अपने गंतव्य स्थल इमामबाड़ा के पास पहुंची। तजिया जुलूस के दौरान जुलूस के खलीफाओं लाठी फरसा तलवार भाला बाना आदि का कर्तव्य दिखाया गया। त्योहार के दौरान जुलूस के साथ चल रहे खिलाड़ी या अली या हुसैन के नारे भी लगा रहे थे। तजिया जुलूस के दौरान नौगछिया शहर में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन, थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा, सहायक अवर निरीक्षक रवि कुमार पुलिस बलों के साथ जुलूस के साथ भ्रमण कर रहे थे। वहीं नौगछिया SDO मुकेश कुमार, SDPO प्रवेंद्र भारती, DCLR परमानंद शाह भ्रमणशील रहकर स्थिति का जायजा ले रहे थे। त्योहार के दौरान नौगछिया थाना क्षेत्र में लोगों ने आपसी भाईचारे का परिचय देते हुए त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने में भरपूर सहयोग किया। जुलूस के दौरान नौगछिया नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर डब्लू यादव, पार्षद विनोद भगत, पूर्व पार्षद इकराम सोनी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जेम सहित अन्य लोग भी तजिया जुलूस में शामिल हुए। नौगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने बताया कि नौगछिया थाना क्षेत्र में सभी तजिया का पहलाम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया है। देर रात 10 बजे मुमताज मोहल्ला के तजिया का पहलाम हुआ, जबकि बाकी सभी स्थानों पर संध्या 7 बजे तक तजिया का पहलाम हो गया। गमों का त्योहार है मुहर्रम, खुशियों के माहौल में इसे हरगिज न मनाएं। तनवीर बाबा। इस्लामी कैलेंडर का प्रथम महीना मुहर्रम कहलाता है। मुहर्रम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है निषिद्ध। प्रत्येक इस्लामिक महीनों के भी हिंदी के महीनों के तरह अपना अपना कोई महत्व होता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को योम ए आशूरा कहते हैं। योम ए आशूरा के साथ साथ शरीयत में मुहर्रम के पूरे महीनों का एक खास मुकाम हासिल है। रमजान के महीने के बाद अगर किसी महीने को अफजल बताया गया है तो वह मुहर्रम का महीना है, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला की खास रहमत नाजिल होती है। इसी तरह इब्न अब्बास ने बयान किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह व्यक्ति जो मुहर्रम के दिन में से एक में रोजा रखता है और प्रत्येक दिन के रोजा के बदले 30 दिनों के रोजे के सवाब मिलता है। इस्लामिक वर्ष की शुरुआत मुहर्रम के महीनों से होती है, अतः इसे नेकियों के साथ शुरू करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि इस रोजी की बरकत से पूरे साल अमन चैन और सद्भाव का माहौल बना रहे। इस महीने में लोग जाने अनजाने में गुनाह भी कर बैठते हैं, जिससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह एक गम के महीने के रूप में याद किया जाता है। वहीं जामा मस्जिद मुमताज मोहल्ला के इमाम अख्तर हुसैन कासमी ने बताया कि मुहर्रम इस महीने में एक बहुत ही अहमियत है और तारीखी वाक्यात करबला के मैदान में शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के खातिर हजरत ए सैदना इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अनुहु के साथ करबला के मैदान में वाक़ हुआ और नजरत हुसैन रजी अल्लाहु अनुहु जो एक नवासे एक रसूल थे, कुफा के लोगों ने यजीद के लश्कर ने शहीद कर डाला। नाना की दीन की हिफाजत की खातिर, शरीयत की हिफाजत की खातिर अपनी शहादत को मंजूर किया, पर नाना के दीन व शरीयत को देखना गवारा न किए और सिर्फ अपनी ही शहादत नहीं बल्कि अपने साथ तमाम अहले बैत अपने अलावा 72 सहाबाए कराम रजी अल्लाहु अनहु को भी यजीद के लश्करों
ने शहीद कर डाला। जुल्म बरियत के पहाड़ तोड़ दिए गए। 10 मुहर्रम का रोजा रखने से इंसान के एक साल आगे और एक साल पीछे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, इसलिए इस मौके को गनीमत समझते हुए लोग रोजे रखने का एहतमाम करें और शिर्क और विदहत और खुराफात गाने बजाने से परहेज करें और अपने इबादत में मशगूल रहे, किसी के भावना को ठेस ना पहुँचाए। जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। आवासीय ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान CBSE पाठ्यक्रम अंग्रेजी सह हिंदी माध्यम। छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक राजेंद्र कॉलोनी नौगछिया। हॉस्टल के साथ नौगछिया का एक सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान। व्यवस्थापक शुभंकर कुमार मिश्र। हमारा मोबाइल नंबर है 9098826037। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए एक बार जरूर पधारें। आवासीय ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान राजेंद्र कॉलोनी नौगछिया। क्या आप बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं? तो स्टॉप लॉस के बिना ट्रेनिंग क्यों? कॉन्टैक्ट कीजिए और जानिए क्यों और कैसे रखें स्टॉप लॉस। वेल्थ डिस्कवरी AN झा फाइनेंस एडवाइजर, इक्विटी, कमोडिटी एंड करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस सेविंग। आनंद एट द रेट easywealth.in 9891305599। नवगछिया सब जूनियर बॉल बैडमिंटन टीम का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। नवगछिया पुलिस जिला सब जूनियर बॉल बैडमिंटन टीम बालक वर्ग का 10 दिवसीय प्रशिक्षण मंगलवार को बिहपुर के रेलवे मैदान पर शुरू हुआ। प्रशिक्षण के बाद चयनित खिलाड़ी 20 से 22 सितंबर तक सीवान के मेरब में आयोजित 26वीं सब राज्य सब जूनियर बालक बालिका बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेगी। बालिका टीम का प्रशिक्षण बुधवार को नवगछिया के बाल भारती विद्यालय में होगा। नवगछिया पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष जिला परिषद राजीव रंजन उर्फ घंटू सिंह, राज्य प्रवक्ता सह जिला सचिव ज्ञानदेव कुमार ने बताया कि बालक वर्ग टीम के प्रशिक्षक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राहुल कुमार एवं राष्ट्रीय खिलाड़ी राकेश कुमार हैं। बालिका टीम के प्रशिक्षक अविनाश कुमार हैं। आवश्यकता है शिक्षकों की आवासीय द्रौपदी शिक्षा निकेतन में। कक्षा नर्सरी से आठवीं तक सुयोग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता। विज्ञान कक्षा 1 से 5 तक, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत, वेतन गुणवत्ता के अनुसार। संपर्क करें संचालक रणवीर कश्यप 8051550120। आवासीय द्रौपदी शिक्षा निकेतन अनुमंडलीय अस्पताल के सामने नवगछिया। नवगछिया क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने नवगछिया स्टेशन के साफ सफाई का किया निरीक्षण। नवगछिया में रेलवे बोर्ड की क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने 2 दिवसीय नवगछिया स्टेशन की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। टीम में शामिल चंदन राउत, सुकांत गहन ने बताया कि रविवार और सोमवार को नवगछिया स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर करीब 200 से अधिक यात्रियों से स्टेशन पर सफाई व्यवस्था की जानकारी ली गई। वहीं नवगछिया स्टेशन की सफाई व्यवस्था पूरी तरह संतोषजनक और लगभग सभी यात्रियों ने स्टेशन की सफाई व्यवस्था की तारीफ की। मौके पर स्टेशन अधीक्षक नंद किशोर तिवारी, सतीश कुमार चंद्र एवं रेलवे के कर्मचारी मौजूद थे। नवगछिया गनीनाथ सेवा समिति ने तजिया जुलूस में शामिल लोगों को पिलाया पानी व शरबत।
नवगछिया में मुहर्रम के अवसर पर आपसी भाईचारे का दृश्य उस समय देखने को मिला जब तजिया जुलूस में शामिल लोगों की सेवा के लिए शिविर बाबा गरीनाथ सेवा समिति के द्वारा लगाया गया। बाबा गरीनाथ सेवा समिति के द्वारा शहर में दो स्थानों पर धर्मशाला रोड और स्टेशन रोड में सेवा शिविर लगाया गया, जहाँ पर जुलूस में शामिल लोगों को समिति के सदस्यों द्वारा शीतल जल, शरबत एवं चाय की व्यवस्था की गई। जुलूस के आगमन पर समिति के सदस्यों ने सभी लोगों को पानी व शरबत पिलाया। मौके पर बाबा गरीनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती, विष्णु कुमार, धर्मेंद्र कुमार, डब्लू कुमार, राकेश कुमार बजरंगी, विशाल कुमार, विवेकानंद कुमार, रंजीत शाह, नन्ही गौतम समेत समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। नवगछिया, पुत्र के हत्या केस में मेल मिलाप करने की धमकी, मारपीट कर किया घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी निवासी कैलाश शर्मा के पुत्र सौरभ कुमार के हत्या के केस में मेल मिलाप करने की धमकी मिलने के बाद उसका विरोध करने पर उसके भाई राजेश शर्मा, किशोर शर्मा, बंटी कुमार, रूबी देवी, लक्ष्मी कुमारी ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल कैलाश शर्मा का इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। घटना के संदर्भ में कैलाश शर्मा ने नवगछिया थाने में इस संबंध में सभी को नामजद करते हुए आवेदन दिया है। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा, NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। आवासीय ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान CBSE पाठ्यक्रम अंग्रेजी सह हिंदी माध्यम। छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक राजेंद्र कॉलोनी नौगछिया। हॉस्टल के साथ नौगछिया का एक सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान। व्यवस्थापक शुभंकर कुमार मिश्र। हमारा मोबाइल नंबर है 9098826037। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए एक बार जरूर पधारें। आवासीय ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान राजेंद्र कॉलोनी नौगछिया। क्या आप बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं? तो स्टॉप लॉस के बिना ट्रेनिंग क्यों? कांटेक्ट कीजिए और जानिए क्यों और कैसे रखें स्टॉप लॉस। वेल्थ डिस्कवरी AN झा फाइनेंस एडवाइजर, इक्विटी, कमोडिटी एंड करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस सेविंग। आनंद @easywealth.in 9891305599। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षण प्रणाली के तहत अवेलेबल है। आपके आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय में 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था, साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी बेहद ही उत्कृष्ट है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय नया टोला नवगछिया। भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल अफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, नर्सरी टू 10+2 कोएड इंग्लिश मीडियम डे कम रेसिडेंशियल स्कूल अलोंग विद IIT एंड मेडिकल प्रिपरेशन। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, इब्राहिमपुर, सबौर, भागलपुर। फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज डायल 9934855177 और 7739।